हेलो एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे भुना चिकन मसाला। ये बहुत इजी तरीके से बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन जाता है। चलिए हम इसको बनाते हैं। ये हमने एक पैन लिया है, इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। इसको हॉट गर्म होने देंगे। ये मैंने दो ऑनियन ली थी बड़ी साइज़ की, इनको चॉप कर लिया है। अब हम इसमें इसको फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये बहुत इजी तरीके से बन के तैयार हो जाता है और बहुत मज़े का लगता है। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये मेरी गोल्डन ब्राउन ऑनियन हो चुकी हैं, अब बस मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। ये मैंने निकाल लिया है। ये मेरी सारी रेसिपी बहुत इजी तरीके से और बहुत कम इंग्रेडिएंट से तैयार होती हैं, आप ज़रूर देखिएगा प्लीज़। ये मैं गर्म मसाला ऐड कर दूँगी इसमें। मैंने गर्म मसाला ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। ये मैंने 1.5 किलो चिकन लिया था, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। कि मैं 1.5 किलो चिकन ऐड किया है। ये मैं जिंजर गार्लिक और का पेस्ट, ऑनियन का पेस्ट बना के रखा था, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको इसके साथ में इसको 5 मिनट तक भूनूंगी। इससे ये सारी बोटियों में मिक्स हो जाता है, इससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा बन जाता है, तो मैंने इसलिए इसको साथ में ऐड किया है। ये मैं इसको अच्छे से खूब भून लूँगी। देखिए पानी छोड़ दिया है इसने, इसको पानी को हम थोड़ा सुखा लेंगे जब तक ये हमारा सूख जाएगा। अब हम इसमें लाल मिर्च 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 से 1.5 चम्मच ऐड कर देंगे। ये सूखा धनिया मैं ऐड कर दूंगी 1 बड़ा स्पून, 1 चुटकी हल्दी ऐड करूंगी मैं इसमें, नमक ऐड करूंगी मैं इसमें 1.5 चम्मच, मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूंगी। अब हम इसे सारे मसालों को मिक्स करेंगे। ये मैंने मिक्स कर दिया है, बहुत जल्दी बनके ये तैयार हो जाता है बहुत इजी तरीके से बिल्कुल। ये मैंने इसमें 2 बड़े टमाटर ऐड कर दिए हैं, 2 बड़ी हरी मिर्च ऐड करूँगी। ये मैंने 2 हरी मिर्च ऐड कर दी हैं। देखिए एकदम से कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। मैं इसको लगातार चलाते जाऊंगी 5 मिनट के लिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, ताकि मैं और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकूँ। इसको लगातार चलाती जाऊंगी। ये हम मिक्सर जार लेंगे, इसमें मैंने जो ग्राइंड की थी, फ्राई की थी ऑनियन, उसको ऐड कर दूंगी। ये एक बाउल मैंने दही लिया है, अब मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। मैं इसको ग्राइंड कर लिया है। ये मैंने इसमें दही और ऑनियन का पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दिया है। ये बहुत जल्दी रेसिपी बनके तैयार हो जाती है कि घर में मेहमान आए तो फटाफट बनने वाली रेसिपी है। वैसे तो मेरी सारी रेसिपी ही बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती हैं। 1 कटोरी बाउल ऐड करें, पानी ऐड कर दूंगी मैं इसमें। ये मैंने 1 कटोरी बाउल पानी ऐड कर दिया है ताकि हमारा गोश्त और कच्चा मसालों का कच्चापन एकदम से बंद हो जाए, ठीक ख़त्म हो जाए। ये मैं ढक के पकाया इसको 5 मिनट के लिए। ये देखिए ये हमारा चिकन बस रेडी हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल चिकन हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया है, ना हमने इसमें ज़्यादा मसाले ऐड किए हैं ना कुछ नहीं। मेरा चिकन बनके बिल्कुल रेडी है, आप इसको देखिएगा। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। ये मैंने इसमें बाउल में एक सर्व करेंगे। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा आप लोग मेरी रेसिपी है और सब
बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल जाए। ये मैं इसमें फ्राइड ओनियन ऐड करूँगी, आप हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने किया नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। रेडी हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।